बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो में स्पेशल जो लाहौर में मेट्रो स्टेशन पर जो आदमी काम करते हैं, जिनकी 32,000 सैलरी है या 25,000 मिलती है उनको, और उनके भी पैसे काट लिए जाते हैं, जो पलंटी पड़ जाती है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देख रहा था, उनकी पलंटी पड़ जाती थी, उनसे पैसे 5-5 हज़ार रुपया एक छुट्टी का काट लिया जाता है, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं। अपने घर का बहुत मुश्किल से ख़र्चा वो उठाते हैं, अल्लाह जाने में किस तरीके अपने घर का निज़ाम चलाते होंगे सच में। तो जो भाई वहाँ पर काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर भाई जान, ये मुझे मत कहिएगा, अगर तुझे इतना तरस आता है तो वीज़ा भेज दो उनके लिए। यार मेरा तो कहना है आपको मशवरा देना, बाकी अल्लाह ताला मुझसे बेहतर कर जानता है, और अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छे करे। और मैं अपने भाइयों को ये मैसेज देता हूँ, सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए, एज ए प्रदेश रहते हुए, एज ए सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए 30 दिन आप काम करते हैं, आपको इतवार वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। यकीन जाने मुझे बहुत तकलीफ़ होती है यार, क्यों इस तरह के एक आदमी के ऊपर इंसान ही जुल्म करता है, इंसान इंसान के ऊपर जुल्म करता है, तो उनसे इतने पैसे लिए जाते हैं, उनके प्लंटी के पैसे इतने काट लेते हैं, यार अल्लाह माफ़ करे यार। तो मैं अपने भाइयों को जो उधर मजदूरी करते हैं, 30 दिन करते हैं, इतवार वाले दिन भी छुट्टी नहीं उनको होती, वो सऊदी अरबिया के अंदर कंपनी का वीज़ा लेकर आ जाएँ, सऊदी अरबिया की कंपनी का वीज़ा लेकर आएँ। यकीन जाने आप अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 हज़ार रुपया कमा सकें। तो यार ये छोड़े सोच, सच में उधर आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, सारी ज़िंदगी आपकी उधर ही कट जाएगी, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोशिश करें मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर रोड पर खड़ा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, ये इशारा भी ख़राब हो चुका है, ये भी प्रॉब्लम है सामने। तो दोस्तों भाइयों, अगर आप वहाँ आपको मुसीबत में देखता था हूँ, वीडियो बहुत मुश्किल है यार देखना, क्योंकि ऐसे हालात में 30 दिन काम करना, फिर ऊपर से पैसे नहीं मिलने, एक तो डेढ़ डेढ़ दो महीने के बाद सैलरी मिलना, फिर 20-20, 18-18 हज़ार रुपये सैलरी उनको मिलती है, यार बहुत तकलीफ़ होती है यार, बहुत दुख होता है। और हमारे भैया, अगर आप वीज़ा ले सकते हो, ख़रीद सकते हो, तो कंपनी का वीज़ा ख़रीदो और यहाँ पर मोस्ट वेलकम सऊदी अरबिया में आओ, और एक महीना काम करो और अच्छे खासे पैसे कमाओ और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाओ। वहाँ पर आप 30 दिन काम करते हो, वो आपकी पूरी नहीं पड़ेगी, बिजली का बिल आपका नहीं खर्च वो ख़त्म पूरा नहीं होगा, उसके बाद साथ साथ आपके खाने का पैसा भी पूरा नहीं होगा। आप नौजवान हो, अपना मुस्तकबिल किस तरीके बेहतर कर सकते हो, तो मैं आपको कहता हूँ सऊदी अरबिया में अपने हालात बेहतर करें। यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का वीज़ा लेकर आएँगे तो आप 70-80 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया, 70-80 हज़ार बहुत कम पैसे की बात की जाए ना, तो नॉर्मल पैसों की बात करूँगा, 70-80 हज़ार आप तो कमा सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो स्पेशल उन भाइयों को है, जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो काम करते हैं, जिनको सैलरी बहुत कम कटौती होती है, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप आएँ सऊदी अरबिया के अंदर और यहाँ पर कंपनी में काम करें और अच्छे खासे पैसे कमाएँ। लेकिन कहता ये हूँ कि आप एक हुनर लेकर आएँ, हुनर के बगैर मत आएँ, हुनर के बगैर आप आएँगे तो पैसे कम कमाएँगे, हुनर लेकर आएँगे तो आप पैसे ज़्यादा कमा सकते थे। तो मेरी अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। कोई भी मेरा भाई दोस्त इंफॉर्मेशन किसी काम के बारे में जानना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, मैं तहे दिल से हाज़िर हूँ। आप किसी भी तरह कमेंट करते हैं किसी भी काम के बारे में, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।